पटना मेट्रो बिहार की पहली मेट्रो रेल परियोजना। पटना मेट्रो रेल का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। बताया जा रहा है कि पटना जंक्शन के पास बनाया जा रहा है मेट्रो स्टेशन अपने आप में अद्भुत होगा। स्वागत करता हूं आप सभी का एक न्यू फ्रेश कमाल के वीडियो में। सुफेंस, आज की इस वीडियो में हम आपको पटना मेट्रो का अपडेट देने वाले हैं कि पटना मेट्रो का जो काम है कहाँ तक पहुँचा है काम, तो इसी को अपडेट देने वाले हैं। और जो एरिया में मैं अभी आया हुआ हूँ पटना का, तो ये दानापुर का एरिया पड़ता है, गोला रोड से लेकर सगुना मोड़ के बीच में कितना काम हुआ है नहीं हुआ है इसका अपडेट देने वाले हैं। कांकर के आसपास का जो एरिया है उसको कवर किए हैं, पटना मेट्रो का काम कहाँ तक हुआ है नहीं हुआ है। हम आपको दानापुर वाले एरिया का अपडेट देने वाले हैं, अभी इसका अपडेट कोई नहीं दिया है, तो इसी का अपडेट देने वाले हैं कहाँ तक काम हुआ है नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे फ्रंट में देख सकते हो, यहाँ से जो है भाई पिलर स्टार्ट हो गया है और पिलर यहाँ से एक लाइन से जो है भाई बन चुका है। ये गोला रोड वाला एरिया है फ्रेंड्स, जहाँ से ये पिलर बनना भी स्टार्ट हो चुका है, पिलर ढला गया है, काफ़ी तेज़ी से यहाँ से जो काम है वो शुरुआत हुआ है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो है भाई पिलर मस्त यहाँ पे बन रखा है, और ये एक पहला पिलर है, वहाँ पे वो दूसरा पिलर है और वो तीसरा पिलर है। काफ़ी यहाँ से पिलर का जो लाइन एकदम स्टार्ट हो चुका है, जो कि ये गोला रोड एरिया पड़ता है हमारा, वहाँ से गोला रोड है और यहाँ से जो है पिलर ढलाया हुआ है सगुना मोड़ तक। लास्ट में फ्रेंड्स सगुना मोड़ तक यहाँ पे पिलर ढलाया हुआ है। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं। तो यहाँ से जो भाई रोड के साइड में जो बैरिकेड मारा हुआ है, और बैरिकेड के उस साइड आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पिलर कितना मस्त भाई अभी इतने में लग रहा है, और ये इतना जल्दी यहाँ पे पिलर खड़ा हो जाएगा ये मैं सोचा नहीं था। तो चलिए चलते हैं। पटना मेट्रो के कॉरिडोर 2 में पाटलिपुत्रा ISBT से पटना जंक्शन रूट 18 किलोमीटर लंबे अंडरग्राउंड रूट के लिए 2 मेट्रो लाइनें तैयार होंगी। बाकी मलाही पकड़ी से पाटलिपुत्रा बस स्टैंड तक का काम एलिवेटेड होगा। टनल खुदाई के उद्घाटन में पहुंचे DM। पटना मेट्रो बिहार की पहली मेट्रो रेल परियोजना। पटना मेट्रो रेल का काम काफी तेजी से चल रहा है। बताया जा रहा है कि पटना जंक्शन के पास बनाया जा रहा है मेट्रो स्टेशन अपने आप में अद्भुत होगा। यहाँ जमीन के नीचे 3 तल्ले का स्टेशन बनेगा, इसके साथ ही यहां जुड़वा सुरंग भी बनाई जाएगी जो डाक बंगला चौराहा से लेकर जंक्शन तक होगी। इसके लाइन पर इतनी दूर तक 2 ट्रेन एक दूसरे के ऊपर नीचे से गुजरेगी, दोनों ट्रेनों के बीच का करीब 6 मीटर का होगा। मेट्रो कॉरिडोर 1 और 2 में इन दोनों जगहों पर ऐसे ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है। तो इधर का पिलर आप लोग देख सकते हो, ये पिलर ढलाया हुआ है, और इधर का आप लोग पिलर देखो, इधर का पिलर अभी भाई नहीं ढलाया हुआ है। अभी हम लोग गोला रोड से RPS मोड़ किया की ओर आ चुके हैं, और यहाँ पे भी पिलर एक लाइन से इधर दिखेगा, बट यहाँ का पिलर नहीं दिखेगा। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और आगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारे RPS मोड़ से अभी सगुना मोड़ की ओर बढ़े हैं, और यहाँ पे जो रोड के बीच में अभी बैरिकेड मार दिया गया है, और यहाँ से रोड को जो भाई रोक दिया गया है, यहाँ से अब आगे की ओर लोग नहीं जा सकते हैं। और इस साइड में आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ से जो क्रॉसिंग है, जो कि यहाँ पे साइड वाला जो रोड है, इससे लोगों को आगे जाने दिया जा रहा है, और यहाँ से भाई रोक दिया गया है, पता नहीं क्यों रोक दिया गया है। फ्रेंड्स, इधर से जो लोग आ रहे हैं इधर से रिटर्न होकर, और उस वाले साइड वाले रोड से जा रहे हैं, और फिर जिनको उस तरफ जाना होगा यहाँ से वो लोग क्रॉस होकर चले जाएंगे। और बाकी का जो सीन है भाई यहाँ पे, यहाँ पे पिलर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इतना दूर का 4 पिलर जो ढलाया हुआ है, आगे का पिलर का काम चल रहा है। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। अभी आ चुके हैं भाई अंदर, और चलिए दिखाते हैं अंदर में जो है क्या अंदर में काम चल रहा है। बहुत लोग मतलब कि रोड पर जो ट्रेवल वगैरह करते होंगे तो उनको मालूम होगा कि साइड में जो बैरिकेड मार रहा है, तो बहुत सारे लोग अंदर का चीज़ नहीं देख पाते हैं कि अंदर में क्या काम होता है नहीं होता है। अभी मैं इतना सुबह सुबह आ गया हूँ कि फ्रेंड्स मैं आपको क्या बताऊँ, 5 बजे मैं सुबह सोकर उठ गया था, और 6 बजे यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ अंदर में दिखाने के लिए। तो यहाँ पे अभी जो लेबर जो मजदूर लोग जो होते हैं यहाँ पे अभी आए नहीं है इतना सुबह सुबह, और अभी जो है काम कर नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से भी मैं आपको दिखा तो नहीं सकता हूँ वो लोग क्या काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, लेकिन काम कहाँ तक हुआ है ये मैं आपको दिखाने का कोशिश करूँगा। यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे पिलर है भाई, छोटा सा पिलर है, और मतलब कि छोटा सा है बस, बहुत ज़्यादा मजबूत है, ऐसे ही और पिलर होंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रोड पे जो साइड में यहाँ पे बैरिकेड मार रहा है, और अंदर में कुछ ऐसा सीन रहता है भाई, तो यहाँ पे लोहा वगैरह रखा हुआ है, और देखो यहाँ पे भी ब्लू ब्लू कलर का भाई लोहा वगैरह रखा हुआ है। चलते हैं थोड़ा और अंदर और दिखाते हैं अंदर में और क्या हो रहा है। दोस्तों अंदर में आप लोग देख सकते हो वैसे ही सेम है, पिलर ढला रहा है, और बाकी यहाँ पे सब जो भी काम वाम हुआ है, जो भी लोहा वगैरह है, यहाँ पे साइड में रखा हुआ है। तो दोस्तों फिलहाल अभी हम लोग सगुना मोड़ के पास आ चुके हैं, और सगुना मोड़ के पास आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सगुना मोड़ गोलंबर के आसपास यहाँ पे बैरिकेड मार दिया गया है, और यहाँ पे फिलहाल अभी हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं और दिखाते हैं आपको कि आगे और कितना काम हुआ है और नहीं हुआ है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग सगुना मोड़ का लुक देख सकते हो कैसा दिख रहा है। फिलहाल अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो मॉर्निंग का टाइम भाई काफ़ी ज़्यादा शांत माहौल था, जिसकी वजह से रोड पर ज़्यादा नॉइज़ नहीं होने की वजह से मैं मॉर्निंग में टाइम पर आ गया था, और ज़्यादा धूप भी नहीं था। फिलहाल फ्रेंड्स अभी आप लोग लुक चेकआउट कर सकते हो सगुना
मोड़ पे पटना मेट्रो का जो काम है वो कैसा चल रहा है। फिलहाल अभी यहाँ से आप लोग आगे का वीडियो एंजॉय करो। पटना मेट्रो को लेकर काम काफी तेजी से चल रहा है। लगातार मेट्रो प्रोजेक्ट से जुड़ी अधिकारी नए नए अपडेट दे रहे हैं। अब अधिकारियों ने बताया कि पटना में भूमिगत मेट्रो सुरंग के निर्माण को लेकर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। जमीन से 24 मीटर नीचे चलेगी मेट्रो। गांधी मैदान से आकाशवाणी होते हुए आने वाली मेट्रो जमीन से 12 मीटर नीचे पटना जंक्शन के दूसरे तल्ले के प्लेटफॉर्म पर पहुंचेगी, जबकि बेली रोड नेहरू पथ की तरफ से आने वाली मेट्रो जमीन से 23 से 24 मीटर नीचे से जंक्शन पहुंचेगी। अधिकारियों के अनुसार दोनों मेट्रो रूट के लिए अलग अलग रूट निर्धारित हैं। इस मेट्रो स्टेशन पर रोज 60,000 यात्रियों के लिए मेट्रो इंटरचेंज की व्यवस्था रहेगी। तो आप लोग हमारे पीछे देख सकते हो यहाँ पे काम कैसा चल रहा है। यहाँ पे जो भाई पिलर को बनाया जा रहा है, यहाँ पे जो है लोग जो यहाँ पे आ चुके हैं, लेबर मजदूर जो है देखिए ऊपर में चढ़े हुए हैं और काम कर रहे हैं। फुल यहाँ पे सेफ्टी गियर के साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं। हेलमेट वगैरह लगाए हुए हैं, जैकेट जो होता है वो जैकेट लगाए हुए हैं। मतलब ये देखकर सही लगा कि चलो यार सेफ्टी गियर के साथ यहाँ पे लोग जो है काम कर रहे हैं। यहाँ पे पिलर का काम चल रहा है, साइड साइड से जो देख सकते हैं लोहा का बैरिकेड मारा हुआ है, उसके बाद जो है पिलर में काम चल रहा है। कितना मोटा का ये पिलर है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो। फिर इसको ढाला जाता है और यहाँ पे जो भाई बैरिकेड मारा हुआ है साइड से कि लोग इसके अंदर एंट्री ना करें। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे भी भाई बैरिकेड मारा हुआ है, देख सकते हो। इधर भी जो है भाई पिलर का काम चल रहा है और इधर में अभी जो है बस पिलर खड़ा हुआ है। यहाँ पे अभी देख सकते हो छड़ ये सब जो है लगा हुआ है। और फिलहाल अभी ये आरपीएस मोड़ वाला एरिया है फ्रेंड्स, जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ। और ये आरपीएस मोड़ की जगह है जहाँ पे इतना अभी काम चल रहा है और बहुत तेज़ी से पटना में जो है मेट्रो आने वाली है और बहुत जल्द हमारे पटना में मेट्रो आ जाएगा। जंक्शन के पास जो पटना मेट्रो स्टेशन बनने वाला है वो बहुत ज़्यादा अद्भुत बनने वाला है। मतलब जब बनेगा तो आप लोग देखकर भाई खुश हो जाओगे। कुछ अलग उसका जरिया रहेगा पटना मेट्रो का। पटना जंक्शन के पास जो पटना मेट्रो बनने वाला है 3 तल्ले नीचे जाएगा, जमीन के अंदर से जो है मेट्रो चलेगी। मतलब पटना में 3 तल्ला जमीन के नीचे से पटना मेट्रो दौड़ेगी। अब बहुत जल्द आ रही है पटना में हमारा मेट्रो और बहुत जल्द मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ। पटना साइड जाएंगे, देखते हैं वीडियो पे कैसा रिस्पांस रहता है, नहीं रिस्पांस रहता है। वीडियो पे अगर रिस्पांस अगर सही रहा तो बहुत जल्द पटना साइड जाकर और पटना में कितना काम हुआ है नहीं हुआ है उधर जाकर दिखाएंगे। फिलहाल दानापुर एरिया का मैंने आपको वीडियो दिखा दिया है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।